हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में एक चीज़ पूछूंगा, क्या आपको भी एल्बो पेन होती है जब भी आप कभी ट्राइसेप्स का वर्कआउट करते हैं? काफ़ी लोग आपको बोलते हैं, यहाँ आपके जो ट्रेनर्स होते हैं, अगर आप कभी उनको बताओगे कि मुझे एल्बो पेन हो रही है, आपको एक ही चीज़ बोलेगा, आपको कैल्शियम की कमी है, आप ये मेडिसिन लो, आप ये वाला सप्लीमेंट लो, या ये वाली कोई मेडिसिन बता देंगे, आप वो खाओ। लेकिन कभी आपको ये नहीं बताएंगे वो कि आपको एल्बो पेन किस वजह से हो रही है। आपको मैं बताता हूँ, आपकी एल्बो पेन आपकी हो रही है जो भी आप अपना ट्राइसेप्स का वर्कआउट करते हो, उसमें कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हो आप कि उसके कारण आपको टेनिस एल्बो की पेन या एल्बो की पेन को स्टार्ट हो जाती है। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि किस तरह से वो ठीक किया जाए या क्या किया जाए, उनको मैं सब कुछ बता देता हूँ। लेकिन आज मैं वीडियो में आपको बताता हूँ कि कौन सी गलती आप करते हैं जिससे आपकी ये पेन स्टार्ट होती है, इसके कारण आप अपनी जो अच्छे से आपका ट्राइसेप्स का वर्कआउट होता है वो भी कर पाते हो। तो मैं आपको आज सब कुछ बताऊंगा कि कौन सी गलती है, इसको ठीक किया जाए। आई होप इस गलतियों के बाद आपकी जो ट्राइसेप्स की जो एल्बो की पेन है वो ठीक हो पाएगी और आप अच्छे से अपना वर्कआउट कर पाएंगे। और गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक भी जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, ताकि मुझे भी इससे मोटिवेशन मिले और मुझे भी लगे कि हाँ, आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और मैं आगे जाके आपके लिए और अच्छी वीडियो लेके आऊँ। तो चलो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको कि कौन सी वो गलती आप करते हैं जिससे आप अपनी एल्बो की पेन ठीक कर सकते हैं। तो गाइस, हम जो अपनी पहली गलती करते हैं जब भी हम अपना ट्राइसेप्स ट्रेन करते हैं, जिससे हमें हमारी एल्बो की पेन होती है स्टार्ट होती है, वो क्या गलती करते हैं हम जब भी एक्सरसाइज करते हैं, हम कभी भी हम ये देखते नहीं कि हमारी रेंज ऑफ मोशन क्या है। हम हमेशा जर्किंग में करते हैं, जब भी थोड़ा हैवी वेट हो जाता है हमेशा जर्क मारते हैं। अब जर्क कैसे मारते हैं हम? सबसे ज़्यादा पेन कहाँ होती है हमें? जब हम करते हैं स्कल क्रशर लोड। मोस्टली लोगों को यहीं प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि जब वो स्कल क्रशर लेके नीचे आते हैं, ऐसे नीचे लेके आएंगे, यहाँ से जब हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया तो यहाँ पे आपको पेन होनी 100% आपको पेन स्टार्ट होगी होगी। आपको ये देखना है, ये आपको इंश्योर करना है कि जब भी आप नीचे लेके आपको वेट इतना होना चाहिए कि आपको बॉडी उसको संभाल पा रहा है और प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन से यहाँ तक लेके आना है। कभी भी इसको जर्क नहीं मारना, कभी भी जर्क नहीं मारना। और सेकंड पेन कहाँ पे होती है गाइस? जब भी हम डंबल वन आर्म करते हैं, उसमें हम जर्क कर लेते हैं, या हम डबल आर्म डंबल लगाते हैं या रॉड्स लगा लेते हैं, जब हम कभी हम थोड़ा सा वेट हैवी करते हैं नीचे ला के इसको हम जर्क करते हैं। कभी जैसे आप जर्क करोगे, ये जर्क किया, आप खुद देखोगे गाइस, आपकी ये आइसोलेशन मूवमेंट है, आपकी एक ही इसमें जॉइंट यूज होता है, आपका शोल्डर यूज नहीं हो रहा, आपको कुछ सिर्फ आपकी एल्बो यूज हो रही है। आप अपने एल्बो को जितना जर्क दोगे आपके एल्बो पे सारी पेन आ जाएगी। इसलिए प्रॉपर आप रेंज ऑफ मोशन स्टार्ट करो, प्रॉपर देखो कि मेरा वेट कितना है, वेट कम लो लेकिन आराम से लगाओ, आपको प्रॉपर पूरा लोड आना चाहिए। जर्किंग से आपकी पेन होनी 100% श्योर है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि हमारी जो पहली जो हम गलती करते हैं जहाँ से हमारी एल्बो पेन स्टार्ट होती है, वो हमारी जर्किंग होती है। आपको कभी भी सबसे ज़्यादा पेन जो कहाँ पर होती है, मैंने बताई आपको, स्कल क्रशर में। कभी भी स्कल क्रशर में या डबल वन आर्म में या डबल आर्म में कभी भी आप जर्किंग मत करो। अपने वेट को, जो भी आप वेट लेते हो उसको प्रॉपर कंट्रोल करके लगाओ। जब भी आपने जर्क किया, आपको पेन 100% होनी स्टार्ट है। तो ये हमारी फर्स्ट गलती। अब हमारी सेकंड गलती क्या है? हम जब भी कोई भी ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जिसमें मन प्रॉपर हमारा पूरा एक्सटेंड होता है, जैसे हम डबल वन आर्म किया एक्सटेंड हो गया, इसको किया एक्सटेंड हो गया, हम करते हैं ओवर एक्सटेंड। क्या करते हैं हम? जब भी प्रॉपर कोई एक्सरसाइज करते हैं, हम यहाँ तक लेके आते हैं। जैसे मैं यहाँ से इसको ओवर एक्सटेंड किया, आपकी यहाँ पे सारा लोड यहाँ पे आएगा। आपको करना है कि आपको बस ये देखना है कि आपका लोड कहाँ तक आ रहा है। हम क्या करते हैं, हम जब भी कभी देखते हैं हम करते हैं इसको ओवरएक्सटेंड। ओवरएक्सटेंड करने से कुछ नहीं होगा, आपको जहां तक लोड पड़ेगा वहां तक ही आपका ट्राइसेप्स बनेगा। जैसे को पता है कि प्रॉपर यहां तक लेके आपका लोड पड़ेगा। जैसे इसको हमने ओवर किया, आप खुद देख सकते हैं कि कितना जोर मैं कितना जोर लगा रहा हूं, मेरा पूरा लोड यहां पे आ रहा है इस एल्बो पे। तो यहां पे पेन होनी लाजमी, आपको पेन होके रहेगी। सेकंड गलती क्या है हमारी? हम कभी भी ओवरएक्सटेंड ना करें। ओवरएक्सटेंशन करने से क्या होगा? हमारी पेन होनी 100%। अब हमारी जो थर्ड गलती वो क्या है? जैसे आपको मैंने एक वीडियो में बताया था पहले भी, कभी आप ओवरलिफ्टिंग ना करें। सबसे ज्यादा हम ओवरलिफ्ट कहाँ करते हैं? यहाँ पे हम वेट डाल देते हैं, इसमें हैवी से हैवी वेट डाल दिया हम लोगों को दिखाने के लिए, या खुद भी आपको जैसे अच्छा फील करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, आगे आके पूरा लोड ये जक मारेंगे। जक मारा, पूरा बॉडी वेट ऊपर छोड़ दिया, हमारा पूरा वेट कहाँ पे आ रहा है? हमारे शोल्डर पे। आपको चीज ध्यान देनी है, आपको एक्सरसाइज अपनी नहीं करनी है, आपको इसको दिखाना नहीं है। आप सिर्फ अपने कि छोटा सा मसल है, कोई लेग्स का मसल नहीं कि हम हैवी वेट देके आप इसको ज्यादा ट्रेन कर रहे हैं। आप इसको नॉर्मल वेट रख के भी अपने ट्राइसेप्स को अच्छे ट्रेन कर सकते हैं, आपका मसल बन के रहेगा। तो कभी भी हम यहाँ पे जब ईगो लिफ्टिंग करते हैं, उससे क्या होता है, हमारा सारा वेट कहाँ पे आता है? शोल्डर पे। शोल्डर हमारा वेट कहाँ पे आता है? हमारी एल्बो पे। यहाँ पे भी हमारी ये तीसरी गलती जो हम करते हैं, यहाँ पे हमारी एल्बो पेन हमारी होती है। आपको जिम में कोई नहीं बताता कि कभी आप यहाँ ओवर एक्सटेंड ना करें या जर्किंग ना करें या ईगो लिफ्टिंग ना करें। आपको बस ये बताया जाता है कि आपको आप ये मेडिसिन ले लें, आप ये वाला सप्लीमेंट खा लें, इससे आपकी एल्बो पेन ठीक हो जाएगी। लेकिन कोई भी आपको ये नहीं बोलता कि आपकी एक्सरसाइज गलत है।
मैक्सिमम लोग जो भी है, मैं भी कभी जब जिम में अगर देखता हूँ लोग यही कर रहे होते हैं, उनको मैं जाके बताता हूँ कि अब ये गलती कर रहे हैं। जो उनको पेन स्टार्ट हो गई होती है वो एक दो महीने के बाद जैसे उसको देखते हैं कि हाँ मैं ओवन जकिंग नहीं कर रही है, अपना ईगो लिफ्टिंग नहीं कर रही, उसके बाद उनकी वो पेन 100% ठीक हो जाती है। तो वैसे मैं आज आपको वीडियो बता रहा हूँ, ये हमारी तीसरी गलती है। इसमें भी देखो आप कभी भी जब आप जैसे मैंने आपको फर्स्ट गलती बताई जॉकिंग, यहाँ ला के हम जॉकिंग करते हैं, ये जॉकिंग की, यहाँ में सेकंड गलती क्या करते हैं, हम ओवर एक्सटेंड कर देते हैं। आपको कभी भी ओवर एक्सटेंड नहीं करना, ना जॉकिंग करनी है, ना कोई वेट ज्यादा लेना, प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन से कंट्रोल करो वेट को, नीचे तक लेके आओ बस यहां तक, आपको ओवर नहीं करना। ये लाया आप डाउन यहां तक, ये लाया आप, यही छोटी छोटी जो गलतियां करके ना अपने एरोप्लेन स्टार्ट करते हैं और आप मेडिसिन खा लेते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको मेडिसिन की जरूरत आपको है ही नहीं है। आपको सारी पेन कहां पे हो रही है, आपकी इस एक्सरसाइज से, जो कि आपको सिर्फ यहां ही पता लगा है इस चैनल पे जो मैं बता रहा हूं आपको। तो गाइस प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ जो मैं कुछ चीजें बता रहा हूं आपको अच्छा लग रहा है, आपको वो चीजें ठीक हो रही है, तो मैं आगे जाके ऐसे आपके लिए और अच्छी सी वीडियो लेके आऊंगा। अब गाइस हमारी चौथी गलती, ऐसे ही मैंने आपको पहले काफी वीडियो में बताया हुआ है कि जब भी आप जिम में आ रहे हो वार्म अप करना काफी ज्यादा जरूरी है, स्ट्रेचिंग करना काफी ज्यादा जरूरी है, इससे आपकी जो पेन जो है काफी हद तक कम हो जाती है। तो वैसे ही आपको आज ऐसे बता रहा हूँ मैं कि जैसे भी आपके कोई जॉइंट की जो भी मूवमेंट यूज हो रही है, जैसे आपकी लेग से एक्सरसाइज है, आपका नी है इसको वार्म अप करो अच्छे से, ग्लूट को है, आपका हिप को जो हिप जॉइंट है इसको अच्छे से वार्म अप करो, वैसे ही आज जो बता रहा हूँ आपको मैं, जो आपकी एल्बो पेन स्टार्ट होती है ट्राइसेप्स से वर्कआउट से पहले, आप अच्छे से इसको वार्म अप करो। एक ये वार्म अप आ गया, इसको हल्का सा डंबल लेके 5 किलो का या 2.5 किलो ले इसे वार्म अप करो, या एक हल्का सा बाइसेप्स लगा लो 5 या 2.5 किलो के डंबल से, या सबसे सिंपल एक्सरसाइज जो हम जिम में करते हैं पुशअप्स लगा लो। अब किस तरह से पुशअप लगाना है, सिंपल जैसे हम जिम में पुशअप लगाते हैं वही लगाने हैं, इससे हमारी जो एल्बो की जो अपनी, जैसे हम मैं जब आपको बताया कि वार्म अप करने के लिए आपको एल्बो, इससे काफ़ी हद तक आपका वार्म हो जाएगा। सिंपल पुशअप लगाना है कंट्रोल करके रेंज ऑफ मोशन में, इसमें भी आपको जर्किंग नहीं कर रही है, रेंज ऑफ मोशन प्रॉपर इसी तरह से, इससे भी काफ़ी हद तक आपकी जो एल्बो की जो वार्म अप है वो भी हो जाएगा। तो गाइस ये 4 छोटी-छोटी गलतियाँ थी जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेडिसिन खाने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं, मेडिकेशन में से कुछ नहीं होगा, मेडिसिन लेने के बाद भी आपकी पेन रहेगी रहेगी, 100% की पेन रहेगी। आप इस 4 गलतियों को ध्यान से देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको अच्छे से फॉलो करो, ये गलती को थोड़ी सी दूर करो, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ गाइस 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आपकी एल्बो पेन ठीक हो जाएगी। ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये, आपको जैसे बताया कि मैं, मुझे पता है कि जो जो ये लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं 100% मुझे गलती जरूर कर रहे होंगे जिम में, अगर कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मुझे फिर से थोड़ी सी, मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ी सी मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आगे जाके ऐसे ही अपने को अच्छी सी वीडियो लेके आऊँ। तो गाइस ये छोटी सी वीडियो थी, थोड़ा आपको भी पता लगे कि जो आपको मार्केट में बताया जाता है कि मेडिसिन खा लो या ये कोई सप्लीमेंट खा लो, कुछ खाने की जरूरत नहीं है, आपको बता रहा हूँ आप यही 100% आप यही गलतियाँ कर रहे हो जिसकी वजह से आपको एल्बो पेन हो रही है या टेनिस पेन हो रही है। ओके गाइस, तो इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। गाइस प्लीज़ मैं फिर से वीडियो ख़त्म होने से पहले ये चीज़ बोल रहा हूँ, प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए गाइस और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा फिर से लगे, मैं बता रहा हूँ आपको, कि मोटिवेशन मिले, कि मुझे पता लगे कि आप लोग मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो मैं आगे जाके और ऐसे अच्छे वीडियो लेके आऊँ। और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना, ताकि आपको मेरी कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो गाइस ख़त्म करें इस वीडियो को, अब जल्दी मिलेंगे आपको किसी अगले नई वीडियो में।